हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हम लोग भी यहाँ पर ठीक हैं, मस्त हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर्या फैमिली ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। तो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और मेरे बच्चे भी रेडी हो गए हैं, क्योंकि आज हम जा रहे हैं काफ़ी टाइम के बाद मंदिर, भोलाखाल के मंदिर। और आज मेरे छोटे दामाद जी का भी बर्थडे है, तो हम उनके परिवार वालों के साथ, छोटी बेटी दामाद के साथ हम लोग आज जा रहे हैं मंदिर। तो हम तैयार हो चुके हैं और बच्चे भी तैयार हो गए हैं। ये है डॉली, डॉली और रिंकू, दोनों बच्चे तैयार हो गए हैं। और अभी बेटी दामाद लोग के साथ हम निकलते हैं मंदिर के लिए। तो गाइस, आप बने रहे मेरे ब्लॉग। तो गाइस, हम घर से निकल गए हैं मंदिर के लिए और ये है मेरी छोटी बेटी और दामाद और रिंकू और मेरी समधनी और डॉली और मैं, हम तो चल रहे हैं मंदिर के लिए। तो हम मंदिर पहुंच चुके हैं, ये है भोलाखाल मंदिर। तो यहाँ पर से हम मंदिर का प्रसाद ले लेते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए। यहाँ पर है दुकानें लगी हुई है मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए, सारे सामान मिल गए। तो हम भी ले लेते हैं मंदिर के लिए सामान, प्रसाद वगैरह। नारियल कटेगा, आधा नारियल ऊपर चढ़ेगा, आधा आप लाना, ठीक है? सब है उसमें, तेल है, खिचड़ी है, पिठिया, चंदन कपूर, सारा कुछ। कल का पता नहीं यार, कल का अभी फोन आया नहीं है। कल का अभी फोन आया नहीं है कल के लिए फिलहाल। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी पता नहीं, अभी अभी फोन तो आया नहीं, तो कल के लिए फोन आ जाएगा। हमने प्रसाद वगैरह ले लिया है, अब निकलते हैं मंदिर को और कराते हैं आपको मंदिर के दर्शन। हमारी पूजा हो गई है, हमने मंदिर के दर्शन भी कर लिए। अब हम आ रहे नीचे उतर रहे सीढ़ियों से। मेरे पीछे है डॉली, रिंकू, काली आ गया।
मनुष्य और कोई नहीं होगा, मनुष्य के तो तुम्हारे यहाँ रहेंगे। तो हमने मंदिर के दर्शन कर लिए और मंदिर में पूजा वगैरह कर ली, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ मंदिर आके। कई टाइम के बाद आज अपने बच्चे अपने परिवार वालों के साथ है, तो बहुत अच्छा लगा। तो मंदिर के दर्शन हमने कर लिए, पूजा भी हो गई है, अब हम निकलते हैं सात ताल के लिए और वहीं पर हम दिन का लंच करेंगे, क्योंकि सुबह हमने पूजा करनी थी तो हमने कुछ खाया नहीं था। और आपको भी हम सात ताल के दर्शन कराते हैं। तो हम पहुंच गए हैं सात ताल और कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे, ताल है और बोट वगैरह है और ढेर सारी बतख भी है। नहीं, चावल राजमा चावल जी, देखो खाने में लगा है भी कुछ मुँह तो दिख नहीं रहा। हम मंदिर का दर्शन करके आ चुके हैं और हम पहुंचे हैं यहाँ पे सात ताल पे रेस्टोरेंट में। तो हमें काफ़ी भूख भी लग चुकी है, तो हमने खाना ऑर्डर कर दिया। यह है राजमा चावल। चलिए अब हम लंच कर लेते हैं दिन का। अब हम खा रहे हैं खीर, ये बहुत टेस्टी हो रही है। ये देखिए हम पहुंच गए हैं रानी बाग और ये है HMT कॉलोनी, जहां कभी HMT के लोग रहा करते थे, यहां बच्चे खेला करते थे। आज ये कॉलोनी खंडहर में तब्दील हो गई है। तो दोस्तों हम घर पहुंच चुके हैं, 4:45 हो गया है, तो जस्ट अभी हम घर पहुंचे हैं और अभी धूप भी काफ़ी है, गर्मी भी हो गई है। तो आज काफ़ी टाइम के बाद हम लोग गए घोड़ाखाल मंदिर अपनी बेटी जवाई के साथ। मैं 30 साल बाद गई, क्योंकि जब 30 साल पहले मैं गई थी शादी के बाद यहाँ से, और डॉली तो गई है पहले, लेकिन रिंकू ने मंदिर नहीं देखा था। और रिंकू भी हमारे साथ गई, अपनी बेटी और दामाद के संग गए हम लोग। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा, मंदिर के दर्शन किए हम लोगों ने। तो हम पहुँचे वहाँ 11 बजे, उस टाइम तो भीड़ नहीं थी, और धीरे धीरे भीड़ इतनी काफ़ी हो गई थी कि वहाँ पूजा वगैरह करने के लिए भी लाइन लग गई थी और वहाँ पे शादियाँ भी हो रही थी, काफ़ी भीड़ हो चुकी थी, तो मैं वीडियो नहीं बना सकी वहाँ पे। उसके बाद फिर हम सात ताल आए, वहाँ पे हमने इंजॉय किया, वहाँ पर घूमे फिरे और वहीं पर हमने दिन का लंच किया। तो अभी 5 बजने वाले हैं, तो चेंज वगैरह कर लेते हैं, काफ़ी थक भी गए हैं। तो हम मंदिर से आके थोड़ा थक गए थे, फिर हमने रेस्ट किया मम्मी और मैंने, बट रिंकू के तो एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो पढ़ाई कर रही थी, पढ़ रही थी वो। फिर हमने चाय पी, थोड़ा अभी मैंने खाना बनाया, अब हम केक कटिंग करेंगे, जीजू का बर्थडे है सो वो बस आते ही होंगे, आने वाले होंगे, फिर हम केक कट करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है।
आपके मम्मी कट करते टाइम स्टे ट्यून। तो बेटी दामाद भी पहुंच गए हैं यहाँ पे और आज है उनका बर्थडे जवाई का, तो आप केक कट करेंगे। केक काट दिया है दामाद जी ने, अपने बर्थडे का केक कट कर दिया है हमने यहीं पर करा और खाना हमारा बन चुका है, तो अब हम रात का डिनर कर लेते हैं। तो हमारा रात का खाना भी हो गया है और खाना खा के तो थोड़ी मैंने वॉक कर ली है और मैं वॉक कर रही हूँ यहाँ पे, तो अब सोने का टाइम हो गया, 10 बज गए हैं। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।